नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। चिंतन शिविर से लौटने के बाद बंधु तिर्की ने झारखंड कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में पूरे आदिवासी मामले को लेकर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया गया। सुनिए और क्या कुछ कहा बंधु तिर्की ने। 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक लगातार 3 दिन मधुबन में ऐतिहासिक चिंतन शिविर में जो हमारे जिसमें प्रभारी अविनाश पांडे जी, शाह प्रभारी उमंग सिंघार जी उपस्थित थे, और उस चिंतन शिविर में पूरे आदिवासी मामलों को लेकर पूरे चिंतन शिविर में गंभीरता पूर्वक चिंतन किया गया, और इसमें विशेषकर आपके झारखंड प्रदेश में जो विस्थापित और पुनर्वास का मामला, आप चाहे कहे HEC का मामला हो, बोकारो धनबाद जमशेदपुर टंडवा का मामला हो, बड़का गांव का मामला हो, अपने प्रदेश में जितने भी विस्थापित की जो समस्याएं हैं उन पर चिंतन मंथन किया गया। और आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रदेश में बिल्कुल सरकारी आंकड़ा है कि 22 लाख एकड़ जमीन आपका उद्योग, खनन, डैम, जलाशय, चाहे आपका अन्य कार्यों के लिए लिया गया जमीन, 22 लाख एकड़ जमीन आपका अधिग्रहित किया गया है। और इस अधिग्रहण में तकरीबन 25 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, और ये मामला लगातार राज बनने के बाद जहाँ से विस्थापित हुए हैं लोग, इस बात को लगातार पुनर्वास के लिए मुआवजा की मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। 21 साल होने के बाद भी प्रदेश में अब तक इसका समाधान नहीं हुआ है। लगातार सदन में भी मैं भी इस बातों को कई बार रखा हूँ, और कई माननीय सदस्यों के द्वारा भी इस बात को रखा गया, और हमेशा राज्य सरकार से इसके लिए विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग की मांग कि अविलंब इसका आयोग गठन किया जाना चाहिए। और अगर आयोग का गठन हो जाता है तो तकरीबन 95% जो आज इस प्रदेश में जमीन जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों से आप इसे आपका इसे आयोग का गठन से समाधान हो सकता है। और इसीलिए इस मामले को लेकर चिंतन शिविर में निर्णय लिया गया कि हमारी जो इसमें कई एक और भी आदिवासियों के मामले, आपका चाहे आपका उनको सुगमता से ऋण मिले इसको लेकर के, इनकी कई संवैधानिक संस्थान है, TRI हुआ आपका, TCDC हुआ, और इसी आपको जनजातीय समाज को कल्याण, उनके जो कल्याण से संबंधित जो संस्थान हैं उनको सही तरीके से, उनको एक तरफ से सुदृढ़ करते हुए उसको मजबूती से उस पर सिस्टम व्यवस्था को ठीक हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ साथ जो कई एक बार जो जनजाति समुदाय का सूची से सूचीबद्ध, सूची से हटा दिया गया है,
उनको सूचीबद्ध करने के लिए या तो राज्य सरकार को भारत सरकार के पास भेजना है इसकी अनुशंसा, कहीं कहीं पर जाति प्रमाण पत्र जैसे मामले हैं, इन तमाम मामलों को समाधान करने के लिए जमीन का आपका आपका कहीं कहीं पर रीसर्वे करने की आवश्यकता है। जैसे लातेहार वाला मामला है, रीसर्वे नहीं होना, जहां पर सर्वे हुआ है सर्वे का अंतिम प्रकाशन किया जाना, इन तमाम मुद्दा और विशेषकर कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में यहां पर स्थानीय नीति जैसे मामला पर भी चर्चा किया गया। और झारखंड प्रदेश चर्चा इस बात को भी कहेगी कि झारखंड प्रदेश में यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई भी नीति बनाए। और इन तमाम मुद्दों को लेकर ये जो मीटिंग में निर्णय लिया गया, जिसकी प्रति मैं दे रहा हूँ, इसको माननीय हमारे जो प्रभारी हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री को इसको हो, और भी जो चीज़ चर्चाएं में बात आई चिंतन शिविर में, जिन जिन बात सामने को लाया गया है महत्वपूर्ण बातों को, उसमें ये तमाम मुद्दे जो जनजाति मामले को लेकर के आपका ये तमाम चीज़ों को लेकर के इस सब तमाम मुद्दों को भी राज्य सरकार को हमारे जो प्रभारी, हमारे जो CLP के लीडर और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष, ये तमाम मिल करके माननीय मुख्यमंत्री को, मैंने राज्य सरकार को देने का काम किया। और इन तमाम चीज़ों को हर हालात में, चूंकि ये हमारे चुनाव में मैनिफेस्टो में भी था, इसलिए हर हालात में एक समय सीमा के अंदर अंतर्गत राज्य सरकार इसको निदान करे। और ये जो आपका चाहे विस्थापन आयोग का मामला हो, चाहे आपका स्थानीय नीति जैसा मामला हो, इन नीति कैसे, इन तमाम मुद्दों को कैसे आप करेंगे, इसके बारे में राज्य सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। और उसी तरह से अगर कहा जाए तो प्रदेश में आपका जो यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमानों का, जैसे आपका मौलाना आज़ाद कॉलेज के जैसा के लिए आपको उनके लिए भूमि उपलब्ध कराना मौलाना आज़ाद कॉलेज से संबंधित मामला है, उसी तरह से आपका उनके जो बजट का प्रावधान, जो 21-22 में जो बजट का काम प्रावधान था, 22-23 में बजट का प्रावधान को सही तरीके रखा जाए, उनको ये तमाम चीज़ों को लेकर के एक प्रस्ताव किया गया है। और ये तमाम बातों को, आप चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री तक इसको दिया जाएगा और इसको एक समय सीमा के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण मुद्दों को, चूँकि जिसके लिए जिस उम्मीद और आकांक्षा से ये जो सरकार बनाया गया है, इन सरकार बनी है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से कांग्रेस पार्टी ली है। और मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रभारी सह प्रभारी के प्रति और हमारे जो CLP लीडर हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, इन तमाम लोगों के प्रति आभार मैं व्यक्त करता हूं कि सफलतापूर्वक चिंतन शिविर में आपके पहली बार इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। और जो आपके हमारे जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भी कहा है कि यहाँ के जो चाहे भाषा हो, यहाँ की परंपरा हो, संस्कृति हो, और विशेषकर मैंने इस बात को पहले भी रखा था कि भाई यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी नीतिगत फैसला या तो नीतिगत मामले पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो आइडियोलॉजी कि आपका RSS टाइप का आपका जो आइडियोलॉजी, नागपुर का आइडियोलॉजी की तरह जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी थोपने का काम किया गया, ऐसा ना हो, इन बातों को ध्यान में रख करके इस बार जो चर्चा की गई है, हमें लगता है निश्चित रूप से आदिवासी समाज को और विशेषकर आपका अल्पसंख्यक समाज, इन लोगों को इसका जो एजेंडा है, ये महत्वपूर्ण जो मामले हैं, इस पर सरकार को समय सीमा पर इसका निदान करना है। ये पत्र आपको दे दिए हैं या देंगे? नहीं, ये ऑलरेडी
जो वहाँ से जो आपका जो चिंतन शिविर में जो बातें सामने में आई है, चूँकि वहाँ बहुत सारे चीज़ों को लेकर कल वो प्रकाश बातें नहीं आई है, तो इसलिए इस बातों को किया गया है। अभी इसका आपका पूरा तैयार हो रहा है, लेकिन ये बातों पर प्रस्ताव लाया गया है। इन्हीं बातों को लेकर के आपको सरकार वहाँ पर हमने क्या चीज़, हमारा जो कार्यकर्ताओं के द्वारा नेताओं के द्वारा जो बात उठा, ये तमाम चीज़ों को समाहित करके सरकार को मैंने माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। बंधुदा, आप कह रहे हैं कि एसटी से कई जगह जनजाति हटाया गया, तो आप लोग किसको किसको जोड़ने की बात मांग कर रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र में अभी भी कहीं तकलीफ हो रही है, सरकार कह रही है कि हमने तो कह दिया एफिडेविट करके बता दो कौन जाति हो, प्रमाण पत्र ले जाओ। और तीसरा सवाल यह है कि बंधु तिथि क्या बता पाएंगे कि कांग्रेस का स्थानीय नीति पर क्या स्टैंड है? देखिए, मैं पहली बात कह रहा हूँ कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं लगातार इस बातों को सदन में रखा हूँ। महुआडांड जैसे जगह में भूहर मुंडा को भूमिहार मुंडा कर दिया गया है, उसी तरह से आपका पान मुंडा का मामला है, उसी तरह से कहीं कहीं पर आपका कमर लोगों का मामला है। पूर्व में अविभाजित बिहार में ये आदिवासी के सूची में थे, उनको सूची से हटा दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में इनको पुनः भारत सरकार को, राज्य सरकार को चाहिए कि इसके लिए सूची में उसको सूचीबद्ध करने के लिए भारत सरकार को इसके लिए उसको अनुशंसा किया जाना है। जहाँ तक आपको बात है सर्टिफिकेट के मामले में, आज भी लोहरा लोहार के संबंध में सर्टिफिकेट वगैरह उनको, जैसे चिक बड़ाई हुआ तो आपका लिपिकीय भूल के चलते, मानवीय भूल के चलते उसको सर्टिफिकेट मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है। इन बातों को भी सदन में रखा गया है। अब तक इस पर निर्णय आपका नहीं होना, जबकि माननीय मुख्यमंत्री को भी महुआडांड में नेत्रहाट के लोग ने इन चीज़ों को उनके संज्ञान में लाया था, लेकिन अभी तक नहीं होना ये चिंता का विषय है। इसलिए इन बातों को आपको किया गया कि आप इसको इस पर इन चीज़ों पर समस्या का निदान होना चाहिए। तो चिंतन शिविर में बात आई है इस बात, तो सरकार को हम इसको देंगे कि चूँकि देखिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई करना, लेकिन हमारी पार्टी का साफ ये है कि किसी भी हालात में हम क्षेत्रीय मुद्दों पर भी समझौता नहीं करेंगे। क्षेत्रीय मुद्दा पर भी हमको, मैंने उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब यही हुआ कि हम यहाँ के जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ का इतिहास को ही विचारधारा के रूप में हमको आगे बढ़ाना है। आपकी सरकार ने 2 साल तक आपकी बातें नहीं सुनी थी, अब तो आपके मंत्री भी खुले तौर पे कह रहे हैं, शिविर में भी ये बातें आ गई हैं, आप तो कोऑर्डिनेशन कमेटी तक नहीं बना पाए। आपने एक नया प्रस्ताव रखा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना है और आपकी अध्यक्षता में, आपको पता ही है कि इससे पहले जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, मुझे जहाँ तक याद है कि गुरु जी थे अध्यक्ष, तो ये आप किस दिशा में जा रहे हैं? नहीं, देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके भी उसको भी दिया जाएगा। और इसीलिए ये 2 साल में आपका कोविड काल रहा, इसकी भी हम लोग लगातार इसकी बात बोल रहे हैं, कोविड काल, लेकिन इसीलिए सरकार, गठबंधन की सरकार में इन चीज़ों पर हम चुपचाप नहीं हैं। इसलिए हम इन चीज़ों पर भी सरकार को हम आगाह कर रहे हैं कि सरकार को हम बतला रहे हैं, उनको स्मरण करा रहे हैं कि इन मुद्दों पर भी आपको ध्यान देते हुए इसको निदान करना है, आपको इनका भी समाधान निकालना। आप कह रहे हैं वहाँ की लोहरा और एथिक पढ़ाई वाला मुद्दा, आपको याद होगा महतो भी कभी एसटी में थे। पांडे जी, आप बात को डाइल्यूट ना करें ना जो बात को। और उसके बाद अभी जो बजट से पहले, ठीक है, और कुछ पूछना है? क्या कांग्रेस वाकई ये महसूस कर रही है कि सरकार में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, लिहाजा बार बार आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं? जे मैम कह रहे हैं कि व्यवहारिक तौर पर तो कोऑर्डिनेशन है नहीं। देखिए चिंतन शिविर और इन तमाम चीजों को लेकर के गठबंधन मजबूत होता है। हम गठबंधन में हैं, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेवारी है, भले हम सरकार में हम ये आपका छोटे भाई के भूमिका में, हमारे 4 मंत्री है, वो जेएमएम का मुख्यमंत्री है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के प्रति राज्य की जनता की उम्मीद ज़्यादा है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इन बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करे।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।